प्रभु के दुआरे मत चले अब नारे, हरि के दुआरे मत चले अब प्रभु की दुआरे मत चले अब नारे, प्रभु की दुआरे मत चले अब नारे।
आदरणीय संत समाज, हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी रखो जल गए। आज हनुमान तीन दिन तक मानस मंच के नीचे बैठे हैं तो केवल सीता जी ला खोजे पर बैठे हैं। हम सब भी अगर ये तीन दिन तक मानस मंच के नीचे बैठे हैं तो सीता जी ला खोजे। सीता को शांति सीता समानीता आत्मा राम विराज। सीता शांति है, सीता भक्ति है, सीता शक्ति है। ये आपके और हमारे भावना को ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम सामने वाली ला कौन सा रूप में पाना चाहते हैं। तो जेन चीज ला खोजे बर हनुमान जी महाराज भारत से लंका गए हैं, वही चीज ला खोजे बर हनुमान लाखों काम बुतन छोड़ के मानस मंच के नीचे बैठे हैं। हनुमान जी महाराज भी भक्ति ला खोजे गए हैं और हनुमान भक्ति ला खोजे बर बैठे हैं। अंतर अतके छे कि हमन बैठे बैठे खो जाता अब वो हम खो जाता। अंतर अतके छे और काम में भाई आपके गांव भरदा अगर आना है तो एक के ठन रास्ता है का यही डाले या उड़ाले आ सके जितिल पाते तेरी जा भाई। भरदा कते रास्ता से जात हस एकर से मतलब मत रख, बल्कि भरदा काबर जात हस एकर से मतलब रख। बोले आप भरदा गांव किस रास्ते से जा रहे हैं इससे मतलब मत रखिए, बल्कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं इससे मतलब रखिए। तो आप सबसे बड़े कारण अच्छा हनुमान जी महाराज जो चीज बोले सीता जी का खोज के ला कहाँ मिली सीता जी, भक्ति का खोज के ला कहाँ मिली सीता जी, शराब के भट्टी में। जैसे हनुमान जी ने कहे वैसे हम अल्लाह अगर कहा जाए कि भरदा वाला हो बाग बारा वाला जाओ सीता जी का भक्ति माता सीता जी का पता लगा के आओ, कहाँ मिले गुरु जी शराब की भट्टी में। तो कहने वाला मार नहीं खाई, शराब की भट्टी में कभी भक्ति नहीं मिले, शांति कहाँ मिलेगी बोले जुए के अड्डे में, जुए के अड्डे में कभी शांति मिले। लेकिन ये हनुमान जी महाराज के हनुमान जी महाराज पर चैलेंज है कि वास्तविक में शराब की भट्टी और जुए के अड्डे से हनुमान जी महाराज ने भक्ति को खोज कर लंका का है शराब की भट्टी का, लंका का है बोले शराब की भट्टी बाबा तुलसीदास जी की ना लंका गई कैसे, कनक कोट में चक्र बड़े करते जात न सुंदर है घना चहु हट बट सुबट विधि चारु पुर बहु विधि। का की लंका है सोन के लंका है वो सोन के लंका है बाबू कई लंका है ये सोन के लंका है कठिया ये सुना है सोन के लंका ही से अरे बगली राम अनुज के घर रही सोई सोना का लंका नहीं भाई हो ओकर घर में जे रौतैन के काम करत रही सोई पानी भरे के नौकरानी के काम करत रही सोई ना तेकरो घर सोना के रही अतकरकन सोना अरे डुप्लीकेट नहीं सोई बोले डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल सोना। पाछू बैठे कई जन नाई मन सोचा थे रावण करा सोन के लंकर ही कथरे वैसाखी ये रावण एक आध तोला देवे का रावण ये सागर को आपके घर में सोना है बताओ कहो तो बताओ नहीं तो बताओ आपके घर में कैसे दू घंटा रामायण करबो ओकर बाद दू घंटा रामायण करे के बाद रामायण ला बीवी बंद करे के बाद में घर में जा का है होते ही सबो सोना ला खोना। अच्छा सब जन के हनुमान जी महाराज सीता जी का खोजे
हनुमान जी महाराज तो खोजे है सीता जी भक्ति है, और भक्ति माता ला पाए बर सबसे पहले हमला वापला श्रद्धा विश्वास के पानी ग्रहण करना पड़े। पानी ग्रहण के मतलब विवाह करना पड़े। जब तक श्रद्धा और विश्वास ला हम अपने हृदय के अंदर परिणय सूत्र में दोनों ला नी बांधबो, तब तक भक्ति माता सीता नहीं मिले। तो हनुमान जी कौन? बोले हनुमान जी महाराज के शरीर ही श्रद्धा और विश्वास से बने हुए। हनुमान जी के शरीर का भगवान शंकर है, ग्यारह रुद्र के अवतार थे। और हनुमान जी की जो पूछी है वो माता पार्वती के प्रतीक है। और भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? बोले बालकांड के सुरुच में इस भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। मतलब हनुमान जी के पूरा शरीर श्रद्धा और विश्वास से सजे हैं। एक बार चालीसा के पाठ होत्री साहब के गांव में, बड़े दिन हो गए हमारे गांव में होत्री से, और 80-90 साल हो गए तुम्हें छोटे छोटे में रहे हो गए। अब चलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती लोक उजागर राम दूत तुलित भरगामा अंजनी पुत्र पूर्ण सतनामा। और एदे करला पढ़ी शंकर सुवन केसरी नंदन ल जत कबीर पढ़त रहे जन महाराज। बोली तरीका से पढ़ो यार, तुम्हारे गांव मन की झांकी फूट गए महाराज। ये स्पष्ट लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन, और कैसे तरीका? तो महाराज जी क्या बढ़िया की। बोले भैया गलत नहीं कहा तुम, लेकिन एक कन सुधार के पढ़ो। बोले शंकर सुवन मत पढ़ो, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगबंदन। बोले हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ग्यारहवा रुद्र नहीं हुए भैया, बल्कि स्वयं हनुमान जी महाराज भगवान शंकर है। अब सीता जी के एक जन व्याख्याकार गुरु जी बहुत बढ़िया व्याख्या करत रहे, बड़ा अच्छा लगे। हनुमान जी महाराज जी नहीं खोजे है सीता जी का, तो कौन खोजे ओकर पूछी है? हनुमान जी महाराज तो बैठे रही। अब सुग्रीव नहीं किस का? सारे वानर सेना सुन लो, एक महीने के अंदर सीता जी का पता लगा के नहीं आया तो सबको मैं मार डालूंगा। अब राजा का देश सब जन पर मंदित मुर्ग दर। हनुमान जी महाराज कहते कहां जात हो जी? वही सुना तो राजा का देश है। कैसे? माता सीता को पता लगाना है, ते कहां जात हस? सीता को पता लगाए ते कहां जात हस? माता सीता को पता लगाए ते कहां जात हस? माता सीता को पता लगाए। तो हनुमान जी महाराज कहते ते माता सीता देखे है? नहीं भाई मैं नहीं देखे। ते देखे? नहीं महू नहीं देखे। ते देखे? महू नहीं देखे। हनुमान जी महाराज का पत्थरन पता लगाए जा तुम्हारा? सोच के देखो भैया, भरदा के तुम्हारे गांव के का जन आदमी गंवा गई, अब खाली थाना में रिपोर्ट लिखा हो फलाना आदमी गंवा गए तो पुलिस वाले मुंह में देव तक खेले तो खोटा नहीं, कम से कम एक हम फोटो लग छोड़ने लगी थाना मोर बाप तब वो खोजी। हनुमान जी महाराज कहते जेला तुमन खोजे जा तेरा बाप जन्म देखे नहीं हो, अब बोला खोजे जा तो कैसे खोजू? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कहते प्रभु हमन तो बिंद्र के जातन भगवान, हमर मन कर बुद्धि नहीं है लेकिन तोला तो सोचना चाहिए भगवान की इस कैसे। हनुमान हनुमान कथे प्रभु माता सीता ला खोजे के आदेश मिले गए और हमन अभी तक बाप पुरखा माता सीता के सकल सूरत ला देखे नहीं है, अरे मिल भी जही तो हमन जानबो कैसे कि यही हरे माता सीता? एकाठन चिन्ह बता दे, पहचान बता दे, ताकि उसने पहचान के सहारे माता सीता खोज सके। भगवान की इसका पहचान ल बताओ हनुमान, कुछ तो बता। तब भगवान कहते हनुमान मोर सीता के शरीर से केसर और चंदन के खुशबू निकलत रहते। जेन मई लोगन के, जेन औरत के, जेन नारी के शरीर से केसर और चंदन के खुशबू निकलत रही समझ जबे वही मोर सीता है। हनुमान जी महाराज कहते ये दे बात है भाई, अब सुन सुन के देखो मई लोगन का। एक बात बता दो, अच्छा वाला सेंट जो ओरिजिनल सेंट के खुशबू बहुत कम रहते, और जो लोकल रहते ना वो माथा भी आ जाते, और वो भी केसर और चंदन के खुशबू जब तक नाक से नहीं लग खुशबू हमेशा रहते। तो हनुमान जी महाराज कहते सुन सुन के हनुमान जी महाराज एक जगह बैठे रही से, और सीता जी के पता लगाए कौन गेस?
ओकर पूछी है सीता जी के पता लगा पूछी किस खोजिस कहां कहां खोजिस बाबा तुलसीदास जी किस मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तह यज्ञित योधा गयु दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहि जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मगुन देख वैरे कोई जगह माता से अब खुशबू पता करना ही नहीं केसर और चंदन के तो हनुमान जी महाराज रात के गीत लंका उत्कबेर में नहीं रहे हो भाई काकरो घर के तलाशी लेवे दिन में जावे पकड़ा जावे हनुमान जी महाराज लंका भले शाम शाम के गीत लेकिन पूरा रात भर हनुमान जी महाराज खोजे रामचरितमानस में खैर दिन या शाम के वर्णन नहीं है लेकिन एकर से संकेत हमला मिलते कि रात को खोजे और स्वाभाविक बात है भाई काकरो घर के तलाशी लेना है तो विदेश से आए गस झन पकड़ा जा रात के कोई नहीं तो रात तो कर पूछी गिस अब एकर में अनुभव करे हम अब लंकक मई लोगन मन अपन पलंग में सेज में अब ऐसे हाथ गोड़ लमा कैसे सुते दिन हुई तो कर पूछी अब तर 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 गोड़ हर जाए अब जाके एक पाँवतरी ऐसे घास रे अब ऐसे सूंघे बस शायद आना है दूसरा नेक्स्ट अंग्रेजी जानते बताते ऐसे करत 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 ना जाने बहुत बढ़िया भाव देते हैं व्याख्याकार लेकिन अंतिम में हनुमान जी महाराज के सोच देखो हनुमान जी महाराज सोचिन कि ये भले माता सीता खोजे पर लेकिन ये पुंछ जो है नारी के शरीर ला स्पर्श करे है एकरे कारण ये पुंछ ला जल जाना अति आवश्यक है करके कभी के ममता पुंछ पर सब ही कहे वो समझ आए तेल भोर पट बांध पुने पावक थे रावण होकर पूछी मांगी नहीं ले रावण के का पावर भाई हनुमान जी स्वयं अपने पुंछ में आगे बढ़े खोजिस खोज 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 अच्छा एक कर एक बात लिखिस हनुमान जी महाराज जैसे गीस ना तो बाबा तुलसीदास जी लिखिस लंका में जब खोजिस तो हनुमान जी महाराज कहाँ कहाँ खोजिस मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा एक जन कहते यार यार बाबा तुलसीदास जी लिखे नहीं जानिस के जी कई जन तो अपने टेंशन कसला लेकिन कैसे रावण के महल मंदिर को भाई भगवान रहते मंदिर रावण के महल मंदिर कहाँ तो कैसे सोचे थे नहीं तले बाबा तुलसीदास जी कहते भैया ये मोर नजर नहीं हो ना तोर सोच नहीं हो ये हनुमान जी के नजर है अब हनुमान जी के एक एक रोम रोम में राम बसे है सुमर सुमर कर पावन नामो अपने बस कर राखे हो रामो सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत हनुमान जी महाराज अपन आप में ला सेवक समझते और दुनिया के सब आदमी में अपन राम ला देखते हो तो स्वभाई के रावण के रावण में घरों का अपन राम ला देखी सोई और रावण में भी राम ला देखा थे तो कर घर ला घर कैसे देखी मंदिर देखी ओकरे कारण लिखी मंदिर मंदिर प्रति कर सो बात समझ में आती जैसे छेरी पठरू छेरी बोकरा मन काय खाते हैं हरियर हरियर पत्ता बोईर पत्तल दे दे पीपर पत्तल दे दे सेमी पत्तल दे एला खावे छेरी बोकरा ना पेरल खावे कहीं ना नहीं खाए भूख मर जाए तल नहीं खाए एक आध साल हरियर पत्ता नहीं चे मजबूरी है छेरी बोकरा ना पेरल खमाना चे कैसे करो ले तू वो भैया कल ने मो नंबर ले लो 10 रुपया खर्चा करे लागे छेरी बोकरा घलो पेरल खाए कैसे जनरल स्टोर से मनियारी दुकान चल दू वहाँ हरियर कांच वाला चश्मा ले आन हूँ अब छेरी पहना दू पेरा का गुम्बा आन दू फिर बताओ खाई कि नहीं खाई खाई डांटे बोले ये दुनिया भी वैसे लाल कलर के चश्मा पहन के अगर दुनिया को देखोगे तो दुनिया लाल कलर का नजर आएगा काला कलर का चश्मा पहन के दुनिया को देखोगे तो दुनिया काला नजर आएगा हनुमान जी महाराज रात भर खोजिस
कहीं माता सीता नहीं मिलिस। लेकिन मायूस नहीं हुईस भाई, दिल छोटा नहीं करिस। मानस के एक एक ठन चीज हम ना संकेत करते, नहीं तो हनुमान जी महाराज कायल हो जाते। यार कहां कहां लफड़म पर जो है भाई, रात भर खोजे मान साहब नहीं मिले सकते। ऐसे हमारा सन होती तो चल देते। लेकिन हनुमान जी महाराज फिर भी जब तक अगर काम पूरा नहीं हो ऐसे पाछू डाल लौट के नहीं देखी हनुमान जी महाराज। रात भर खोजे के बाद में सबेरे सबेरे मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय एक ठन चीज दिखाई दी। इस बाबा तुलसीदास जी कथे का भवन एक पुनि दीख सुखावा। रात भर खोजे सबेरे 4 बजे रात को लगभग ब्रह्म मुहूर्त कथे। पहली तो मंदिर ना देखी, मंदिर में नहीं मिले। ओकर बाद अब भवन देखे, भवन एक पुनि दीख सुखावा। लेकिन हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहा भिन्न, एक ठन मंदिर अलग से दिखाई दी। ओकर बाद में औ गौर से जब देखिस ना, औ गौर से देखिस तो देखे के बाद में एक चीज दिखाई दी। हनुमान जी महाराज सोचिस कि राक्षस के राज्य में मंदिर कैसे। अब थोड़ा सा विश्वास बढ़ा थे हनुमान जी महाराज के, राक्षस के राज्य में विश्वास कैसे। तब जब औ गौर से देखिस तो का देखिस, रामायुध अंकित गृह। रामायुध, आयुध के मतलब धनुष बाण। वो घर में भगवान के धनुष बाण के चिन्ह लगे रही, भगवान के धनुष बाण के चिन्ह लगे रही। हनुमान जी महाराज सोचिस कहीं मैं धोखा तो नहीं खा था, कहीं रावण के माया में भटकत तो नहीं हो भाई। यहाँ राम के धनुष बाण के चिन्ह यहाँ कहाँ आएगा, कौन आएगा। लेकिन हनुमान जी महाराज जब गौर से देखिस तो हनुमान जी महाराज तर्क लगाई। अब वास्तविक में रामायुध राम के धनुष बाण के चिन्ह रही। अब काबर विश्वास हुई हनुमान जी महाराज का, बोले पूरा लंका जब आगी लगाई। हनुमान जी महाराज उलट पलट करी लंका जारी, पूरा लंका जल के राख हो गए। लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण के महल बच गए। भाई सोच के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जन बैठे हैं, इकर एक आठन गैस टंकी फटी। जेकर हमन बैठे हैं तेकर एक आठन गैस टंकी फटी तो हमार मन के का हाल हो रही, खत्म। हमन बाजबो का, अच्छा हमन तो खत्म होगो तो हो, तुम्हारा तक एको कनी आँच जाही कि नहीं। बिल्कुल, एक और गैस टंकी फटी मतलब पूरी स्टेज के आदमी लेके जाए, भले हमन तो जाबो जाबो। तो सोच के देखो, पूरा लंका में आग लगी और विभीषण के घर के दीवार तक गरम नहीं हुई। कारण रामायुध। बात समझ में आते, कारण आप लोग तो मनोरंजन कर कुछ, लेकिन कुछ कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाए तो आनंद आ जाए। रामायण काबर जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा दुनिया दुश्मन हो जाए तोर, लेकिन अगर ईश्वर तोर ऊपर कृपा करे है तोर एक ठन बाल भी बाका नहीं हो। पूरा लंका में आग लग गए लेकिन विभीषण के। ओकर बाद में बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज अप्रमाण करिस। जब हनुमान जी महाराज सीता जी ले पता लगा के जब वापस आईस ना, तो रावण के लात मार, रावण जैसे लात मार के भगाइस विभीषण ला, और विभीषण भगवान के शरण में गिस तो सुग्रीव कहिस प्रभु रावण के भाई मिले ला है। भगवान कथे हनुमान सुग्रीव रावण के भाई मिले लागे, तो रावण के भाई है कैसा आदमी तेरा, मोला मत पूछ, वो हनुमान ला पूछ। खबर वो पहली बार गए जी, उहर न्योता देखा है भाई। हनुमान हक मिली से ना, वो कैसा आदमी, गलत आदमी एक सही आदमी उल्ले पूछ। हनुमान जी महाराज के तो मोला कैसे पूछता,
तब भगवान के तो तोला नहीं पूछू कौन ना पूछू हनुमान काबर ते पहली बार लंका के रहे और तही ओकर से मुलाकात करे इस विभीषण से और तही ने नेवता दे के आए घर तो तोला नहीं पूछू कौन ना पूछू हनुमान कथे प्रभु महुल थोड़ा देर के लिए लगत रही से कि राम दल्ले में हम पहली बार लंका गए हूँ लेकिन वहां जाए के बाद पता चले कि मोर ले पहले और कोई चल रहे भगवान कथे और कौन ला भेजे हूँ मैं तो कोई नहीं भेजे हनुमान नहीं प्रभु ते कोई नहीं भेजे गस महूल लगत रही से तुम सब लगत रही से राम दल ने सबसे पहले मैं गे हूँ करके लेकिन वहां जाए के बाद मोला पता चलीस कि मोर ले पहले कोई और चल रहे है भगवान कथे कौन चल रहे है राम आयुधन के बगैर जब जाके देखा तो तुर धनुष बाण तो पहले ही पहुंच गए तो विभीषण गलत आदमी है कि सही आदमी है मोर से काबर पूछा परमात्मा तो धनुष बाण से पूछ ले रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए आप सब समय निवेदन करत हूं अगर मोर बात अच्छा लगे तो विशेष कर महातारी मन से चमेली के तेल हनुमान जी में चोला चढ़ते विशेष रूप से चमेली के तेल में हनुमान जी ने चोला चढ़ाए जाते और शुद्ध बंधन आप घोर लो और घोरे के बाद में अगर अच्छा लगे तो मोर बात कबर ये चीज हम पैट्रिकल में खुद पैट्रिकल करे हूँ अपन घर के मेन गेट में चौखट के ऊपर में छोटे से धनुष बाण के चिन्ह बना दो फोटो धनुष बाण के और ऊपर में सिया राम सीता राम और नीचे में श्री हनुमान जेकर घर के दरवाजा के सामने धनुष बाण के चिन्ह लगे रहते रामा युद्ध लगे रहते ओकर घर लगा करो नजर नहीं लगे ओकर घर में कभू अशांति नहीं आए ओकर घर हमेशा शनिवार या मंगल कर हो दाई तुमन दाई हो या सलमान खान के फोटो लगा हो एक साल तो करके देखो मोला मोला निश्चित मालूम है कि अगले साल भैया मन फिर बोलना ही मोला परफेक्ट में लिखा जात हूँ अब साल भर के मौका है आज कौन सा दिन है का शुक्रवार है कल शनिवार है बहुत बढ़िया दिन कल शनिवार ध्यान रखू चमेली के तेल और शुद्ध बंधन लगे वाला बंधन नहीं घोर लो अपन घर के चौखट में छोटे से धनुष बाण के चिन्ह बना के सीता राम और नीचे में हनुमान साल भर रख के देखो फोटो लगाई हो मान लो कुछ फायदा नहीं हो ही तो अपन ससुर के फोटो टांग दो बताए सको नहीं करू हम काबर विश्वास दिलात हो वही रामा युद्ध के कारण पूरा जलते हुए लंका में एक विभीषण के घर बाज गए तो बताओ हमारे घर में शांति कैसे नहीं आई हमारे घर में शांति कैसे नहीं ये बात बाबा तुलसीदास जी की और एक छोटे से भजन के बाद में आगे चर्चा करबो प्रेम से बोलो श्यावर राम चंद्र जी जब जब तो